प्रतिवर्ष 26 सेप्टेम्बर को वर्ल्ड डीफ डे बा विश्व श्रुति बाधित दिवस भावरे पालन करा जाउछ। विश्व श्रुति बाधित संघ डब्ल्यूएफडी 1958 मसीह एही दिवस पालन आरंभ करितला। श्रुति बाधित मानंकर सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक अधिकार को सुरक्षा करिबा एवं समाज और देश रे सेमानंकर उपयोगिता संपर्क में सचेतनता सृष्टि कराइबा एही दिवस पालन लक्ष्य। विश्व श्रुतिबाधित दिवस पालन अन्य एक उद्देश्य हेउछि श्रुतिबाधित मानंकु सुस्थ जीवन देवा सह सेमानंक भितरे स्वाभिमान और आत्मसम्मान जाग्रत कराइबा। सेथिपाई वर्ल्ड डीफ डे अवसर में विभिन्न कार्यक्रम जरियारे सेमानंक द्वारा करा जाइथिबा कार्यकु प्रदर्शित करा जाय, प्रशंसा करा जाय और सेमानंकु पुरस्कृत करा जाय। जदिओ श्रुतिबाधितंक पाई सांकेतिक भाषा रहिछि तथापि एही भाषारे साधारण लोकंक सह जोगाजोग स्थापन करिबा एक बड़ चैलेंज। एही भाषार उभय अध्ययन और शिक्षादान जरूरी जहाद्वारा श्रुतिबाधित माने निजर समस्या और मनर भावना अन्यमानंकु सहजरे जणाई पारिबे। विश्व स्वास्थ्य संगठनर आकलन अनुजाई विश्व जनसंख्यार 5% हेउछंती श्रुतिबाधित। विश्वरे एपरि शिशुंक संख्या प्राय 34 नियुत। 2050 मसीहा बेलकु विश्वरे प्रति 10 जणरे जणे श्रुतिबाधित होइसारिथिबे बोली आशंका प्रकाश करा जाउछि। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे विश्व श्रुतिबाधित संख्यार 80% भारत परि विकासशील देशरे वास करुछंती। तेणु सेमानंकर उपयुक्त थैथान और चिकित्सा आम देश पाई एक बड़ आह्वान। एक परिसंख्यन अनुजाई 60 वर्षरु अधिक वयस्क लोकों भितरु 25% श्रुतिबाधित हो जाती। गर्भावस्था किंबा शिशु प्रसव समय अस्वाभाविकता, जंडिस आक्रांत होगा, किशोर अवस्था कान में दीर्घदिन धरी संक्रमण, कुपोषण, शब्द प्रदूषण, विषाक्त औषध सेवन और मानसिक धक्का आदि कारण श्रुतिबाधित समस्या देखा दिए। ए दिगरे अधिकरु अधिक सचेतनता आवश्यक। जिते शीघ्र समस्या चिन्हट कर चिकित्सा करोग्य होवार स्थित संभावना रही। दीर्घदिन यह समस्या चिकित्सा करा नगले आरोग्य होवार संभावना कम। तेरे सर्वप्रथमे आम ध्यान देवा उचित जे यह विश्व श्रुतिबाधित दिवस से अनुकंपा देखा नुहे, बरम से जीवन में परिवर्तन आणवाई पालन करा। श्रुतिबाधित होगा एक अक्षमता किंबा दुर्बलता नुहे। सबु दक्षता लोकों तुलन में श्रवण दुर्बलता लोके अधिक बुद्धिमान। केवल पार्थक्य हेउछि सेवानंकर जोगाजोगर माध्यम भिन्न। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।